हाय वेलकम वेलकम बैक टू आईपी एडवेंचरिस्टा। मैं आज जा रहा हूँ एक नया डेस्टिनेशन और आप देख सकते हो कि मैं सुबह सुबह निकल पड़ा हूँ क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी लंबा है। मैं कहाँ जा रहा हूँ वो मैं आगे आपको डिटेल्स देता हूँ। फिलहाल मुझे पहुँचना है इलेक्ट्रॉनिक सिटी टोल गेट, जो नाइस रोड का टोल गेट है, वहाँ पहुँचना है। मेरे फ्रेंड्स लोग वहाँ वेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिटी टोल पहुंच गया और अभी अभी जस्ट बाइक के लिए ओपन हुआ है कि रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बाइक के लिए बंद रहता है। सो वी हैव फ्यू स्टॉप्स। फर्स्ट स्टॉप विल बी इन फूड कल्चर, दैट इज आवर ब्रेकफास्ट पॉइंट। वी आर गोइंग टू स्पेंड अबाउट 45 टू 1 आवर देयर टू हैव ब्रेकफास्ट। सेकंड स्टॉप विल बी इन शांतिग्रामा, which is about 80 kilometers again from the breakfast point, that is the tea stop, and third stop will be the destination. So ride ka briefing ho gaya hai, ab start karte hain journey. Acha to aaj pe destination jo hai wo hai Settinahalli Church. This place is very interesting because ye church मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑफ द ईयर ये आधा पानी के अंदर रहता है, तो अभी डैम क्लोज हुआ इसलिए वो चर्च अभी पानी से बाहर है। सो वी आर गोइंग टू दैट चर्च टू एंजॉय आवर राइड। तो पहुंच गए फूड कल्चर, यहाँ पे ब्रेकफास्ट पॉइंट हमारा। तो हो गया ब्रेकफास्ट, अभी दोबारा राइड स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से और एक बीच में स्मॉल ब्रेक लेंगे फिर सीधा डेस्टिनेशन। अभी एक छोटा सा ब्रेक लिया था हमने और ये टोल क्रॉस करके, और यहाँ से शायद 30 किलोमीटर्स होगा। वो रहा चर्च। अरे सही में ये तो पानी के बीच में है। Thank you.
हाय, वेलकम बैक टू आईपी एडवेंचरिस्टा। सो मैं आज पहुंच गया सेटीहली चर्च, जो मेरे पीछे है, और थोड़ा बहुत इसका मैंने गूगल किया और ये मुझे पता चला कि ये 1860s में फ्रेंच जब यहाँ इंडिया में थे तभी ये चर्च बिल्ड हुआ था। अब भी ये इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि अभी 1960 में फिर एक डैम बनाया, पीछे जो आप देख रहे हो ना, पूरा पानी से भरा हुआ है दोनों साइड। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये चर्च मॉनसून के टाइम पे ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चर्च इज सबमर्ज्ड इनटू दिस वाटर, और अभी मॉनसून चला गया है, अभी तो विंटर सीजन जस्ट ख़त्म हुआ, तो ये पानी अभी पीछे है, तो ये चर्च अभी बाहर आया है। सो इट डिपिक्ट्स दैट हाउ दिस बिल्ड हैज़ बीन डन। ये गॉथिक आर्किटेक्चर है। सो अब देख सकते हो मेरे पीछे, इतना इंटरेस्टिंग ये प्लेस है। सो अभी चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको। तो अभी चलते हैं अंदर, पानी के अंदर सबमर्ज रहता है 6 मंथ्स के लिए, फिर भी उतना डेमोलिशन नहीं हुआ है। अभी भी इसकी पिलर्स खड़ी है और यहाँ पे मेरे ग्रुप्स के सारे लोग बैठ के मजे कर रहे हैं। थोड़ा बहुत देख के जाना पड़ेगा। अच्छा, वो रहा दूर जो दिख रहा है, वो डैम के ऊपर शायद जो ब्रिज बनी है वो है। काफ़ी अच्छा था जगह, ओल्ड हिस्टोरिक बिल्डिंग था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। हो गया राइड ख़त्म आज का, अभी वापस जा रहे हैं।